इसके अंदर जो है हम चाइल्ड एक्सेस इस तरीके से देते हैं अमेज़ॉन के अपने सेलर सेंटर्स के थ्रू, कि यहाँ आप राइट साइड पे देख रहे होंगे कि आपका सेटिंग्स का ऑप्शन दिखता है। सेटिंग्स के अंदर जब हम नीचे आ जाते हैं, टैक्स सेटिंग्स के नीचे बिल्कुल यूज़र परमिशन का ऑप्शन है। जब यूज़र परमिशन के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, तो यूज़र परमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरीके की विंडो एक ओपन हो जाती है, और जिसको आपने पहले से परमिशंस दी हुई होती हैं वो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा होता है। और जिस तरीके से आप किसी न्यू यूज़र को परमिशन देना चाहते हैं, बीइंग SVA कोई आपने हायर किया है, तो आप उसको इस तरीके से परमिशन देंगे। इस कॉलम में आप ऐड अ न्यू यूज़र के अंदर नेम आप मेंशन करेंगे, जो भी आपके VA होंगे तो उनका नाम हमने ऐड कर दिया। ये रैंडमली एक नेम जो है वो हमने ऐड कर दिया यहाँ से। और उसके अलावा जो उन VA का जो भी आपके पास ईमेल एड्रेस होगा, सही है, आप उनसे अपना उनका ईमेल एड्रेस लेंगे, तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन करेंगे, राइट। जैसे कि ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। zero9@gmail.com। जब हम इस तरीके से उनका नेम, अपने VA का नेम और ये ईमेल एड्रेस मेंशन कर देंगे, तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल ठीक नेम और ईमेल एड्रेस मेंशन करें यहाँ पर। देन आप इनवाइट का बटन आपको यहाँ पर दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो इसका इनविटेशन उनके पास चला जाएगा, राइट। यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, योर इनविटेशन हैज़ बीन सेंड। और देन फिर क्या होगा कि जब वो इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे आपके VA, तो आपके यहाँ पर जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। फिर हम उनको देखेंगे कि यहाँ मैनेज परमिशन में आके कि हम उनको किस किस चीज़ की परमिशन दे रहे हैं अपने सेलर सेंटर के मुताबिक, राइट। तो आपके सामने यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स आ जाती है, A+, कंटेंट मैनेजर, कोपन, ये सारी चीज़ें। नन व्यू, अगर व्यू पर क्लिक कर देंगे इनमें से किसी एक पर, तो वो सिर्फ व्यू कर पाएंगे। व्यू एंड एडिट का कर देंगे तो वो तमाम पर व्यू एंड एडिट कर पाएंगे, और एडमिन के ऊपर दे देंगे तो उनके पास एडमिन राइट्स चले जाएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं, तो इनमें से जो जो आप चाहते हैं कि आप अपने VA से आप इन इन फीचर्स को अपने सेलर सेंटर्स के मैनेज करवाएं या व्यू करवाएं या एडिट करवाएं, इसके ऊपर काम करवाएं, तो आप इनमें से जो जो चीज़ों पर चाहें आप परमिशन उनको दे सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा होता है, और इस तरीके से हम जो है यूज़र परमिशन देते हैं। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।